हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में लोग जानेंगे 23 सितंबर 2024 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को एंड तक देख कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन से VK धाल, ऑप्शन बी कलिकेश नारायण सिंह देव, ऑप्शन सी मनोज शर्मा, और ऑप्शन डी अनिरुद्ध मोहन। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव बने हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव वामपंथी नेता अनुरा कुनारा दिशा नायके ने जीता है। ऑप्शन से श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो प्रश्न संख्या 2, हाल ही में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति का चुनाव है वहाँ के जो वामपंथी नेता है वो अनुरा कुनारा दिशा नायके ने जीता है। यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव 21 सितंबर 2024 को हुए थे। प्रश्न संख्या 3 है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेज कब मनाया जाता है। ऑप्शन से 21 सितंबर, ऑप्शन बी 25 सितंबर, ऑप्शन सी 22 सितंबर, और ऑप्शन डी 23 सितंबर। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन से प्रश्न संख्या 4 है कि 23 सितंबर को नई दिल्ली में संयुक्त राज्य प्रतिनिधि और नेशनल कैडेट कोर उप महानिदेशक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे। ऑप्शन से संजय सेठ, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी एस जयशंकर, और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संजय सेठ 23 सितंबर 2024 को संयुक्त राज्य प्रतिनिधि और नेशनल कैडेट कोर उप महानिदेशक के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है कि गुजरात के बड़ोदरा में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण 1 में व्यक्तिगत अंडर 60 वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन से नाजीरो बानो, ऑप्शन बी अमृता सिंह, ऑप्शन सी अंजलि श्रीवास्तव, और ऑप्शन डी बिमलेश कुमारी। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाजीरा बानो। प्रश्न संख्या 6 है कि भारतीय वायुसेना अपनी 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहाँ एयर शो आयोजित करने जा रही है। ऑप्शन से बेंगलुरु में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, और ऑप्शन डी जयपुर में। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई में भारतीय वायुसेना अपनी 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह शो आयोजित करने जा रही है। प्रश्न संख्या 7 है कि अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता के लिए ARIIS और किसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ऑप्शन से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ऑप्शन डी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में से किस बैंक ने बीते दिनों आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। ऑप्शन से भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा, और ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक ने आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 9 है कि अब्देल मजीद तेबो ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित किए गए हैं। ऑप्शन से श्रीलंका, ऑप्शन बी ट्यूनीशिया, ऑप्शन सी नेपाल, और ऑप्शन डी बांग्लादेश।
प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी ट्यूसिनिया। प्रश्न संख्या 10 है कि हर वर्ष 7 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन से 2019, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2020 और ऑप्शन डी 2017। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2019। प्रश्न संख्या 11 है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन से 29, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 27। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 29। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते जिसमें 7 गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक शामिल थे। प्रश्न संख्या 12 है कि किसने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और कुवैत के युवराज शेख सबाह अल खालिद अल सबाह के साथ अमेरिका में द्विपक्षीय वार्ता की है? ऑप्शन से नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी एस जयशंकर और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और कुवैत के युवराज शेख सबाह अल खालिद अल सबाह के साथ अमेरिका में द्विपक्षीय वार्ता की है, जो अमेरिका में क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से आलोक रंजन, ऑप्शन बी कलिकेश नारायण सिंह देव, ऑप्शन सी मनोज शर्मा और ऑप्शन डी अनिरुद्ध मोहन। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आलोक रंजन। प्रश्न संख्या 14 है कि 23 सितंबर को गोवा के नेवल वार कॉलेज में 5वीं गोवा नौवहन संगोष्ठी की मेजबानी कौन करेगी? ऑप्शन से भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी भारतीय थल सेना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन बी भारतीय नौसेना 23 सितंबर को गोवा के नोवल वार कॉलेज में 5वीं गोवा नौवहन संगोष्ठी की मेजबानी करेगी। प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में कौन 23 सितंबर को राजस्थान में सैनिक स्कूल जयपुर का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन से नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी एस जयशंकर और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन डी, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो राजस्थान में सैनिक स्कूल जयपुर का उद्घाटन करेंगे 23 सितंबर को अर्थात आज ही। प्रश्न संख्या 16 है कि हाल ही में किसने अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन से नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी एस जयशंकर और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 17 है कि IRCTC और उत्तराखंड पर्यटन विकास विभाग किसके साथ मिलकर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अन्य तीर्थों की यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाएगी? ऑप्शन से भारतीय रेलवे, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा और ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय रेलवे। प्रश्न संख्या 18 है कि हाल ही में किसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी नागार्जुन,
ऑप्शन सी चिरंजीवी और ऑप्शन डी यश। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अभिनेता चिरंजीवी को। प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में किसको वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी एयर मार्शल विनीत गोयल, ऑप्शन बी एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन सी एयर मार्शल अशोक बनर्जी और ऑप्शन डी एयर मार्शल अनुज सक्सेना। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन बी एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2024 से शुरू होगा। प्रश्न संख्या 20 है कि भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। ऑप्शन सी ऋषभ पंत, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी रिद्धिमान साहा और ऑप्शन डी पार्थिव पटेल। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाले बल्लेबाज ऋषभ पंत है, क्योंकि ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी का शतकों की संख्या बराबर एक समान 6 है, लेकिन ऋषभ पंत ने काफ़ी कम मैच खेले हैं, इसलिए ये सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं टेस्ट में। प्रश्न संख्या 21 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। ऑप्शन से चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब ऑप्शन बी म्यांमार। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 23 सितंबर 2024 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो के अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पहले ही विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।